नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेटिंग एंड क्रिएशन चैनल पर। आज मैं आपको इस प्रकार का डिज़ाइन बताऊंगी। देखिए ये डिज़ाइन, मैंने गिन के बीच में डाला है। इस साइड से मैंने चार फंदे सीधे लिए, दो उल्टे लिए, फिर बीच में दो सीधे, फिर दो उल्टे। ये सीधे वाले फंदे सीधे फरीसी बन जाती है, इसलिए इसको बीच में सीधे कर देते हैं। और ये बुनाई मैंने इसमें आधे आधे फंदे बराबर कर लेते हैं। ये सीधे फंदे ये मैंने 12 12 24 फंदों में डाली है, आप कितने भी फंदों में डाल सकती हैं, ये अपने स्वेटर के हिसाब से ये छोटी बड़ी हो जाती है। जैसे आपके ये कम फंदे हैं तो कम में डल जाएगी, ज़्यादा हुए तो ज़्यादा में डल जाएगी, छोटी बड़ी हो जाएगी। जैसे कि ये मैंने 12 इधर फंदे लिए, 12 इधर लिए, बीच में ये दो फंदों में एक बुनाई डाली है मैंने, पहले शुरुआत से एक बुनाई डाली है, फिर दो हो गई हैं, फिर तीन हो गई हैं, फिर चार हो गई हैं, फिर पांच हो गई हैं। जैसे एक एक बुनाई बढ़ती जाती है। और यहाँ आके ये 12 12 फंदे थे, अब यहाँ सीधे तीन फंदे रह गए, ये दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों तरफ तीन तीन फंदे रह गए। अभी मैं आपको बना के बताऊँगी। इसी तरीके से जो बड़ी बढ़ती जाती है, उसी तरीके से घटती ऐसे घटती जाती है, दोनों तरफ से एक एक फंदा सीधा होता जाता है। इस तरीके से ये इस तरीके से बन जाती है, मैं बना के बताऊंगी। ये चार फंदे पहले मैंने सीधे लिए, अब दो उल्टे लेंगे। ये सीधे फंदे ये बुन के नहीं लेने, सीधी तरफ से ये धागा जैसे पीछे डालना है ऐसे ही उतार लेने, इस तरीके से उतार लिए मैंने, फिर धागा आगे करना है, फिर दो उल्टे बुन लेने। देखिए इस तरीके से ये उतर जाते हैं, ये सीधी फरीसी बन जाती है बीच में। ये तीन फंदे सीधे, इसको दो फंदे सीधे बुनेंगे, बुनाई यहाँ तक डली है। ये फंदा वैसे जो दो में डलती है, दो में, तो इसको हर बार ये कटती है। जैसे अब इन दोनों में डली है तो फिर एक इधर से ले लेंगे सीधे फंदों में से, ये धागा आगे डालेंगे, ये आगे डाल लिया मैंने। अब एक ये एक ये एक पे ये धागा है, इस तरीके से आगे डालते हैं, ऐसे इस तरीके ऐसे नहीं डालते, ऐसे दोनों मिला के डाल देते हैं ऐसे दुल्ला। देखिए ये दिखाई दे रहा है, ऐसे डाल देते हैं, तो इधर से ये टाइट पकड़ते हैं, फिर इसे ये पहला फंदा बुन लेते हैं, ये दो बुन लिया इस तरीके से, दो बुन लिए, तो फिर इसको इस तरीके से खींच देते हैं पीछे, ये खींच दिया। ऐसे ही दो फंदों में पड़ती है, एक एक फंदा पड़ जाता है। जैसे मैंने एक ले लिया, अब की बार ऐसे इसमें और इसमें ये दोनों फंदों में डलेगी, इसी तरीके से पड़ती है। जैसे ये डली है, फिर एक इसमें से इसी तरीके से लेते हैं, बार बार ये काट काट के लेते हैं। ये फंदा ऐसे ही डालना पड़ता है, ये धागा इसी तरीके से ये दोनों मिला के आगे कर लेते हैं। टाइट है जो बना हुआ है, इसी से ये दोनों फंदे बुन लेते हैं, ये बुन लिया मैंने, और फिर से खींच देते हैं, इसी तरीके से पड़ती है। ये देखिए आगे इसी बार बार डाल देते हैं, ये बना रही हूँ मैं, इसी तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ये सी डाल देते।
जैसे ये दो 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 ले लिए, अब ये फंदे में जो बुनाई डाली है एक इसी में सिलेंगे, सीधे में से ऐसे ही बढ़ाते जाते हैं, सीधा धागा आगे डालेंगे। एक इधर से ले लिया ऐसे ही, ये सीधे फंदे कम होते जाते हैं, बुनाई में बढ़ते जाते हैं एक एक से। यहाँ ये बारह बारह फंदे थे, अब ये दो फंदे सीधे रह गए, ये बुनाई एक एक से बढ़ गए, ऐसी बढ़ जाती है। इसी तरीके से बढ़ाइए, इसी तरीके से कम होते जाते हैं, एक एक फंदा करके बुनाई कम होती जाती है और फंदा ये सीधे यहाँ ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं। मैं बना के बताऊँगी। ये दो फंदे हम साइड में छोड़ेंगे इधर उधर, इससे बुनाई बीच में बनी रहे। अब कि मैं कम करके बताऊँगी, ये दो सादा ले लेंगे, फिर से दो उल्टे लेंगे, ये बीच में ये सीधे फंदे जो बुनने नहीं है ये धागा पीछे डाल के ऐसे उतार लेने हैं, फिर ये उल्टे बुन लेंगे। ये चार सीधे साइड से, चार सीधे डाल लिए, चार डाल लिए, देखिए पीछे से पूरी सादा चलाइए, पीछे कुछ नहीं करना है, ये पूरी इसी तरीके से सिंपल निकालनी है सादा, पीछे से उल्टी सलाई निकल गई है। अब फिर से हम सीधे लेंगे, चार फंदे सीधे लेंगे, दो उल्टे लेंगे, ये दो फंदे सीधे इनको उतार लेंगे, ये उतार लिए मैंने, फिर दो उल्टे लेंगे। ये बुनाई के साइड में दो फंदे सीधे बचे, ये दो बचाने, दो हमें बचा के रखने, ये बुनाई यहाँ से कम करनी है। ये जी नीचे से बढ़ गई, पूरे फंदे बढ़ गए, दो रखने हैं बीच में बुनाई के लिए। अब कीजिए सीधे तीन हो जाएंगे, बुनाई कम करते जाएंगे। अब कीजिए तीन सीधे बुन लेंगे, फिर चार बुन लेंगे, फिर पाँच बुन लेंगे, ऐसे ही ये सीधे बढ़ते जाएंगे और बुनाई कम होती जाएगी। तो इस तरीके से हो जाएगी, जब ऊपर आके जैसे एक गांठ रह जाए, जैसे मैंने एक डाली है, एक रह जाए उसी के ऊपर से फिर दो डाल लेनी है, फिर तीन डाल लेनी है, इसी तरीके से दोबारा शुरू कर लेनी है। इसी तरीके से बनती है ये बुनाई। ये दो फंदे सीधे लेंगे, ये बुनाई में से एक फंदा सीधा बुन लेंगे, इसी तरीके से बढ़ाएं, इसी तरीके से कम होते जाते हैं धीरे धीरे करके। ये हमने सीधे बुन लिया, अब तीन हो गए, अब की बार चार हो जाएंगे, बुनाई कम हो जाएगी। जैसे ये अब दस गांठ थी, फिर नौ रह जाएंगी, फिर आठ रह जाएंगी, ऐसे एक एक कम होती जाती है। ये फंदा ऐसे आगे डाल के इसी तरीके से ये कम हो गई, आती हैं और जब पूरा जी बन जाता है फिर जब अच्छा लगता है। देखिए इधर बुनाई में से हम एक फंदा छोड़ देंगे, क्योंकि इधर हमने एक सीधा किया था, दो के तीन हो गए थे, इधर भी दो सीधे, एक हम इसमें से सीधा लेंगे, सीधा ले लिया। अब ये तीन हो गए, फिर से दो उल्टे लेंगे, ये दो तार के लेंगे सीधे, फिर दो उल्टे लेंगे, ये चार सीधे हो गए, देखिए इसी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। जब मैंने कम करना शुरू कर दिया यहाँ से ऐसे, इस तरीके से एक बुनाई जी कम हो गई, अब कि ये इधर से दो कम हो जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तो इस तरीके से ऐसे बढ़ाए, इसी तरीके से जी कम हो जाएगा। ये बनने के बाद ऐसा लगती है बुनाई।
देखिए, अगर आपको आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।